नमस्कार असीम जी. नमस्कार. मैं प्लानट आयुर्वेदा दिल्ली सेंटर में आपका वेलकम कर रहा हूँ. आप यहाँ पे विज़िट किया आपने. आप थोड़ा अपनी कंडीशन, किस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे थे और कैसे कैसे सिम्टम्स है वो बताएं. जी, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी और मैं एक्चुअली वैंकूवर में रहता हूँ. ओके. तो मैं लास्ट 87 ईयर्स से वैंकूवर में रह रहा था एंड सडनली लास्ट ईयर अप्रैल में मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस के एकदम सडनली सिम्टम्स हो गए व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग. तो पहले मुझे लगा मैंने कुछ खा लिया होगा बाहर, इसलिए लूज मोशंस आने लगे. बट फिर 10 से 20 टाइम्स तक वो चले गए एंड देन आई स्टार्टेड यू नो सीइंग ब्लड और बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पे वैंकूवर में मेरे क्लोनोस्कोपी हुई और डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर दिए. ओके. प्लस यू नो लाइक और भी सपोजिटरीज और वो सब भी स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि काफ़ी सिवियर केस निकला था. किस किस तरह के सिम्टम्स है? वही 10 to 15-20 टाइम्स लूज मोशन, ब्लडी स्टूल एंड विद इन म्यूकस. म्यूकस यस, बहुत ज़्यादा म्यूकस. वेट लॉस भी हुआ काफ़ी? विद इन अ मंथ मेरे 21 केजीज वेट लॉस हो गया था. ओके. सो मतलब इतना सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर, इतना ज़्यादा सीवियर कि लाइक मेरी बॉडी गिव अप कर चुकी हुई थी. मैं ऑलमोस्ट बेड पे ही था जी. मेरे में एनर्जी नहीं होती थी कि कुछ भी खाओ, आई हैड टू रश टू द वॉशरूम इंस्टेंटली. फिर वहाँ पे बेस्ट जो उनका वैंकूवर का स्पेशलिस्ट है, मैं उनसे मिला और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और मॉरल एकदम टूट गया था. क्योंकि सपोज इट यू नो वो एक्चुअली वैंकूवर के माने हुए गैस्ट्रो है और उन्होंने बोला कि कुछ हो नहीं सकता इसका और मतलब स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और हो सकता है आप नहीं टाइमली लो तो और भी सिवियर हो जाएगा ये. फिर मेरे पापा फोर्स करते थे मेरे को कि तू इंडिया आ, पक्का यहाँ पे तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, आधे से आधा प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगा. तो मैं इस हालत में भी नहीं था कि मैं इंडिया हूँ, बट किसी तरह मैंने वो फ्लाइट ली, इंडिया पहुँचा. नेक्स्ट डे दिल्ली के बेस्ट गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेता बेटर, उनके पास गए. फिर हमने 2-3 गंगाराम, मेदांता, ऐसे ऐसे हर जगह के अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया. सारों का ट्रीटमेंट प्लान वही था. फिर मैंने उनकी बहुत मेडिसिन ली, जब वो इफेक्ट नहीं कर रही थी तो, क्योंकि मेरा स्टेज 4 कोलाइटिस था. ओके. तो उन्होंने बोला कि अब इसको इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स ही देने पड़ेंगे, इसको एडमिट करना पड़ेगा. और ऐसे ऐसे स्टेज पे आ गई थी. फिर पापा मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे मेरी वजह से, क्योंकि वो देखते थे नेचुरल है. और मतलब इसको कहूँगा मैं कोई मेरेकल से कम नहीं था कि वो रात भर लगे रहे और यूट्यूब पे वीडियो देखी उन्होंने डॉक्टर विक्रम की. और मेरे डैड एक्चुअली है भी चंडीगढ़ से. ओके. तो फिर उनका फेस जानने लगा, वो मेरे को वीडियोज भेजने लगे. इससे पहले लाइफ में आयुर्वेदिक का मतलब मैं बोलूँगा कभी सीरियसली लिया नहीं. मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक होती थी टूथपेस्ट, वो विको वज्रदंती और बस, उससे ज्यादा. और मैं इतने साल से मैं भी बाहर रहा था, आयुर्वेदिक तो था ही नहीं कुछ. मतलब ज्यादा से ज्यादा फेस. अभी क्या एज है आपकी? मैं 28 कॉन्फिडेंस जागा. फिर मेरे को डॉक्टर विक्रम के स्टाफ इतना पसंद आया कि उन्होंने पापा को बोला कि आप डाइट चार्ट फॉलो करो ये, ताकि वो उस कंडीशन में आए. क्योंकि मैं उस कंडीशन में भी नहीं था कि मैं चंडीगढ़ भी गाड़ी में बैठ के जा सकूं. तो फिर मैंने डाइट चार्ट फॉलो किया, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगी एंड देन फिर मैंने डॉक्टर से मिला और फिर उनकी मेडिसिन. यू स्टार्टेड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कब? जून 2019. ओके. तो कैसे कैसे आपको रिलीफ हुआ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7-8 मंथ हो गए? 8 मंथ हो गए. तो रिलीफ मैं कहूँगा पहले 10-15 दिन मतलब वही मुश्किल आ रही थी धीरे धीरे. मतलब वही मोशंस भी कम होने लग गए थे. ओके. मैं बोलूंगा 1 मंथ के बाद मेरे को फर्क देखने लगा था. आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ के यू नो लूज मोशन जैसे 3 पे आ गए थे बजाय कि मैं 3-3 बार जा रहा था. फिर इतना हुआ कि मतलब, और मेरे डैड फिर पीछे पड़ गए कि मेरे को इंडिया सेटल करने के लिए. ओके. तो मेरे को वहां पे अपना सब कुछ वाइंड ऑफ करने के लिए इतनी हिम्मत आ गई उस मेडिसिन से कि मैं फिर चला गया. और फिर मैं डॉक्टर के फ्रेंड है डॉक्टर प्रदीप वैंकूवर में, जी जी जी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं. हाँ जी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी है. तो मैं उनसे मेडिसिन लेता था वहाँ पे. ओके. और उनसे मेडिसिन लेते टाइम मैंने
और पेशेंट्स के भी टेस्टिमोनियल देखे वहां पे जो हाँ वैंकूवर में थे, मेरे को वैंकूवर आइडिया में नहीं था कि आयुर्वेदिक वहां तक पहुंचा हुआ है जी मेडिसिन। जी हमारे तो बहुत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं कनाडा में, हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर आपके प्रदीप चोपड़ा जो है वो हमारे वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। इनफैक्ट जी। बहुत जाता था उनके घर भी मैं, तो मैं इसी चीज से बहुत हैरान था कि ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कनाडा की रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव अप्रूव करे किए हो, हैं, जो दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट बॉडीज बिल्कुल है। बिल्कुल यूएस में फिर अप्रूव हो जाता है एफडीए, बट कनाडा में करना बहुत बड़ी बात थी। इट्स द टफेस्ट, तो वहां पे हमें मेडिसिन, मेरे को मेडिसिन प्रोवाइड बहुत हुई। एक्सटेंसिव लैब टेस्ट रिपोर्ट्स और रिसर्चेस दे नीड, अदरवाइज दे डोंट अप्रूव एनी प्रोडक्ट। यही यही तभी मेरे से कई लोग पूछते हैं ना मेडिसिन का, जी प्राइसी होते हैं आयुर्वेदिक, तो मैंने कहा कि क्वालिटी है तभी जी ऐसे है, क्योंकि ये कोई खेतों में उगने वाली आप चीज नहीं है। वैंकूवर में, आप बहुत रेयर कोई इंडियन ब्रांड आप वहाँ पे आयुर्वेदिक देखेंगे जो बिल्कुल नहीं, अप्रूव्ड मेरे को तो कोई भी नहीं मिला था, बस वही एक इम्पोर्ट का माल होता है। जो हाँ बाकी और वो कुछ जो नहीं गलत तरीकों से चला जाता है, जाता। अदरवाइज हाँ देर इज नो जेन्युइन कंपनी बिल्कुल। देयर। तो और वहाँ पे भी मतलब मेरी भी अगर किसी भी कोई मेरा कनेडियन फ्रेंड है जी जो आयुर्वेदिक, जिसको पता ही नहीं, उनसे भी मैं काफ़ी उनको बात करता था, क्योंकि ये वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कनाडा में। अल्सरेटिव हाँ कोलाइटिस सबसे बिल्कुल ज़्यादा कनाडा में है, और वहाँ पे लोगों को आइडिया ही नहीं, और दे एंड अप गेटिंग देयर सर्जरी डन और बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। सो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स यू आर फीलिंग ऑलमोस्ट बेटर फाइन? मैं बोलूँगा आई थिंक वो आई थिंक 2 मंथ्स के बाद वो वाले आ गए थे मेरे में कि चलो अब डाइट डाइट फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी जी डाइट फॉलो करता हूँ। ओके, अब ये है मेजरली डॉक्टर, क्या अवॉइड करते हैं? मेजरली मैंने एक्चुअली डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करी है। मैंने जी खिचड़ी और दही और केला सिर्फ हाँ यही खा रहा था मैं जब मैं ओके वहाँ पे था, क्योंकि जी मेरे को कोई चांस नहीं लेना था। और इवन यहाँ पे भी मैं काफ़ी देर तक वही खाता रहा था। फिर लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर को मिला हूँ अभी दिसंबर में, तो उन्होंने जी कहा बस अब इतना हो गया, तूने 5-6 महीने अच्छे उसको रेस्ट दिया इंटेस्टाइंस बिल्कुल को, बिल्कुल। अब तू ये चीज़ें ऐड कर, क्योंकि बेसिकली तुझे जो स्ट्रेंथ आपने भी ये वर्ड चाहिए। यूज़ किया ना कि इंटेस्टाइन्स को रेस्ट हाँ देना, जी हाँ जी फिनोमिना इज नॉट जस्ट कि आप डाइट करें, हाँ जी आपका एग्जैक्टली आपका एक जो सिस्टम है हाँ उसको जी रेस्ट पे लेके जाएंगे तो रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से जा रहा था और मैं डिप्रेशन में भी था, मैंने बहुत रिसर्च करी थी बाकी ऐसे लोगों से भी जो बिना आयुर्वेदिक के भी काफ़ी इसको बीट कर पा रहे बिल्कुल थे, विद डाइट एंड लाइफस्टाइल तो चेंजेस। हाँ, तो उनसे मेरे को यही पता चला कि हमारे आयुर्वेद जो है वो एक्चुअली इतने साल, 5-4-5 हज़ार साल पहले ये सब कर चुके हुए हैं, सही तभी बात वो है इस इन चीज़ों पे पहुंचे हैं। तो फिर वही मैंने डाइट, तो फिर डॉक्टर ने दिसंबर में मेरे को बोला कि आप अब ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाकी परहेज तो वही मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, और वो तो एलोपैथिक मेडिसिन भी सब बंद? एलोपैथिक बिल्कुल बंद। हाँ जी ओके बल्कि नवंबर में एक्चुअली मैं वापस इसलिए आया था, मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो आई थिंक मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा था वहाँ पे, होता क्योंकि है, मेरी फील्ड भी स्ट्रेस इन्वेस्टमेंट से बैंक, फ्लेयर अप होता है। आप हाँ जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक का बैंकिंग ही की है? है, तो ओके वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल जॉब है वहाँ पे। जी। तो बस फिर इसलिए मैं वापस आया था, फिर वही है विद इन फ्यू डेज डॉक्टर ने थोड़ी सी कुटुच कनवट्टी जो है उन्होंने बोला था ये थोड़ी सी बड़ा, उस जैसी ठीक आएगा तो कंट्रोल कर, और बस। तो अभी आप परफेक्टली फिट एंड फाइन? अभी अभी हाँ मेरे को जैसे अभी स्ट्रीक्स आती है, ओके यू तो कैन से 5% और 10% हाँ जी मैं तो यही कुछ बोलूंगा, रहेगा। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि मैं जब डॉक्टर पे आया था तो मैं बोलूंगा मैं इतने डिप्रेशन में था, मेरे को था कि कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया मेरी लाइफ में। जी उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, अब इट्स मैं अ काइंड ऑफ खुद 100% रिकवरी, उस हिसाब से तो उस हिसाब से तो हाँ, बहुत मतलब मैं कहाँ था, जी स्टेरॉइड्स और उस सब में होम्योपैथी भी मैंने जैसे ट्राई करी थी बीच में, सो आई वॉज बिल्कुल। गेटिंग नो वेयर। व्हाट्स द मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज बोलूंगा कि मैं यूजली कैमरे के उस तरफ से इतने महीनों तक मैंने वीडियोस देखे लोगों की जी कि कि वो यार ठीक हो गए। कि वो ठीक हो रहे हैं, अच्छा आप खा पा रहे हो, मैंने और पेशेंट से भी मिला हूँ मैं ओके इतने डिप्रेशन में कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैं जैसे घूमता था रोड्स पे देखता था यार ये खा पा रहे हैं, देयर सो लकी। तो यही मैसेज दूंगा कि आप फेथ अपना पूरा बनाए रखो डॉक्टर विक्रम पे, जी लाइक वो एकदम ही इज द मास्टर ऑफ आयुर्वेदा, मैं बोलूँगा उनको जितनी नॉलेज है उनकी मेडिसिन पे फेथ रखो, और डेफिनेटली बहुत बेटर हो गए, सब ठीक हो जाएंगे।
And as a whole, Planet Ayurveda and Planet Ayurveda team के लिए आप क्या remarks बहुत amazing service, मतलब मैं ही बोलूँगा कि वहाँ पे भी जब मैं था वैंकूवर में जी. तो तब भी मतलब I know वहाँ पे भी आपके distributor है, but मेरी mostly बात WhatsApp पे होती थी, जैसे कभी कुछ पूछना हो diet से related हमारे इंडिया ऑफिस में और जबकि टाइम डिफरेंस भी है, बट फिर भी मतलब वो लोग इतने बिजी होने के बाद भी मतलब they used to reply और मेरे को ऐसा लगता था कि चलो मेरे साथ कोई डॉक्टर से है. चलो चाहे विक्रम डॉक्टर विक्रम ना हो लेकिन एक स्टाफ है जिनको एक्सपीरियंस है जी, तो वो इंटरेक्टिव है. और इसमें एक और मैसेज देना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस बहुत बड़ा ट्रिगर है इसमें, ट्राई टू कंट्रोल स्ट्रेस, उसमें जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती ना करो, और मेडिसिन टाइमली लो और डाइट, मतलब एकदम रिलीजियसली डाइट फॉलो करो, सब ठीक हो जाता है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज, थैंक यू.